सारा भूसा बह गया चौका के बोरी रही थी वो बह गया जब मैं टूटी हूँ बेटा नहीं आज तक मैं हिम्मत नहीं आ रही है, मैं अपनी गाय का कला लेती हूँ मगर आज मुझे पेड़ के पत्ते काटना पड़ता है नीम के पत्ते काटती हूँ कचनार के पेड़ काटती हूँ की करके काट के तो गाय के खिलाती हूँ मैंने इस डी से भी व्यवहार करी हम अपने पास यहाँ पर शनार्थी लोग जो यहाँ पाकिस्तान से उनको मैंने रखा था इनसे भी मैंने बोले पाँच पाँच रुपए तुम लोग इकट्ठा करो तो दस दस रुपए इकट्ठा करो तो मेरी गाय पल जाएंगी बेटा बच जाएंगी नहीं। मरेंगी नहीं मगर कोई नहीं सुना बेटा गाय की भी क्षति हुई गौ वंशों का भी क्षति हुई गौ, गौ मेरी कम से कम नहीं बेटे चार गाय हमारी दो तो डूब गई है हाँ दो डूब गई है एक दलदल में धंस गई है तीन बच्चे खत्म हुए हैं दलदल में और मेरी का जान लगा भूसा वूसा जितना मेरा का था एक समान नहीं निकाल पाए गाय निकाल ले गई मगर वो गाय दोबारा वापसी भाग गया है ना जब डूब गई है तो कोई नहीं सुन रहा है इसलिए हम तो हाथ में हाथ धर के बैठ गए मैं बोलिए मंदिर के मस्जिद में बदल दो एक मुसलमान का बच्चा ने मुझे तीन चार कुंटल भूसा दे गया था मुसलमान का बच्चा तीन चार कुंटल भूसा दे गया था और वो भी आज ताल्लुक कोई यहाँ पर नहीं हिंदू के नाम से मैंने तो कोई नहीं यहाँ चैनन वाली है एक बेटी उसने चने के चून और खल भेजा था नहीं किसी ने बेटा एक मुठी भूसा नहीं भेजा आज तालुक नहीं भेजा कुल मिला के यहाँ पे 25 गाय है और कुछ गाय जो है वो बाढ़ में डूब गई उनके बच्चे डूब गए आपने गौ भक्ति ही क्यों चुना बेटे गौ भक्त इसलिए चुना कि गौ हमारी माँ है धरती मेरी माँ है इसमें छत्तीस करोड़ देवता है हम इनका सेवा कर लिया तो हमने सब कुछ कर लिया बेटे चारों धाम मैंने कर लिया इसलिए हमने गौ माता दूध पीते हैं तो हम बड़े होते हैं बच्चे दूध पीते हैं तो बड़े होते हैं दिमाग खुलता है बुद्धि खुलती है तो हमने कोई गुनाह कर दिया क्या बेटा गौ रक्षा का गौ पाल के कोई पाप तो नहीं किया है ना नहीं। तो हमने गौ माँ हमारा पता नहीं की अंदर से आत्मा बनती चली गई है बेटे अच्छा पे आप कितने गाय अभी पाल रही हैं इस टाइम मेरे पास टोटल तो बच्चे लेके पच्चीस है भी थे हाँ हाँ तो एक बात बताइए कि जब ये आप यहाँ पे गौ पालन कर रही हैं तो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था कैसे सरकार के तरफ़ से आपको मिलता है या फिर कैसे हो रहा है इतने गायों को कैसे पाल रहे हैं आप एक दो गाय हमारे पास होती थी तो बहुत परिश्रम लगता था हम सब लोग मिलकर उस गाय को पालते थे लेकिन आपके पास पच्चीस गाय हैं कैसे पालन पोषण होता है इन गायों का मेरे पास बीस पच्चीस गाय हैं बच्चे लेकर के मेरे पास सरकार से मैंने बहुत गुहार लगाया मुझे सरकार से कोई साधन कोई सुविधा आज ताल्लुक नहीं मिला कभी एक रुपए के भूसा सरकार ने नहीं दिया इस डीएम से भी मैंने कोशिश करा बात करने की कोशिश करा मगर इस डीएम हमारे से बात भी नहीं करता ना मुझे आज तालुक कोई लोग मेरे से कहते भी हैं अरे माता जी गौशाला में इतना इतना दान मिल रहा है सरकारी रोटी आ रही है सरकारी गाय के चून आ रहे हैं तुम्हारे तो पास नहीं है हम इस डी से कहते हैं कहो इस डी बात सुनने के राजी नहीं है बात करो तो इस डी बात नहीं करने के राजी तब मैंने बेटवा कहीं पत्ते काटती हूँ पेड़ के भूखियाँ अब बाढ़ आई बार में मेरा भूसा अस्सी हजार के भर रखी थी मेरे, मेरे पास दूध था तो मुझे किसी के निर्भर नहीं थे मैं अपना दूध बेच देती थी और गाय का अपना खिलाती थी आज तक मैंने किसी से कहीं गुहार नहीं लगाई क्यों कि कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए हम अपना भूसा दूध बेचते थे भूसा हम अपने गाय का रोटी पानी भूसा चना चून जो होता सब खिलाते थे मगर जब बाढ़ आई आठ तारीख में मैंने भूसा भरी हूँ दस तारीख को पानी आ गया बेटा मेरा भूसा सारा बह गया जब भूसा बह गया तो मैं टूट गई भूसा सारा भूसा बह गया चौका के बोरी थी वो बह गया जब मैं टूटी बेटा नहीं आज तक मैं हिम्मत नहीं आ रही मैं अपनी गाय का कला लेती हूँ मगर आज मुझे पेड़ के पत्ते काटना पड़ता है नीम हूं। के पत्ते काटती हूँ काटती हूँ की करके काट के के, तो मैं के खिलाती हूँ मैंने इस डी से भी गुहार करी हम अपने पास यहाँ पर शनार्थी लोग जो आए पाकिस्तान मैंने रखा था इनसे भी मैंने बोले पाँच पाँच रुपए तुम लोग इकट्ठा करो दस दस रुपये इकट्ठा करो तो मेरी गाय पल जाएंगी बेटा बच जाएंगी मरेंगी नहीं मगर कोई नहीं सुना बेटा अच्छा ये जो बाढ़ आया था क्या अचानक आ गया पहले से जानकारी नहीं थी तो आप जो है भूसा अलग कर लेते पार, मेरे पास जानकारी नहीं होती बेटा तो मैं आठ तारीख का भूसा क्यों भरती आठ का भूसा भरी दस तारीख का पानी आ गया क्यों भर गाय की भी क्षति हुई गौवंशों का भी क्षति हुई गौ मेरी कम से कम नहीं बेटे चार गाय हमारी दो तो डूब गई है गाय डूब हाँ दो डूब गई है एक दलदल में धंस गई है तीन बच्चे खत्म हुए है, हैं दलदल में और मेरी का जान लगे भूसा वूसा जितना मेरा नस आया था एक सामान नहीं निकाल पाए गाय निकाल ले गई मगर वो गाय दोबारा वापसी भाग गया है ना जब डूब गई है नहीं यहाँ पर हमारे को कोई तकलीफ नहीं थी हम अपने आप प्रभु नाम लेते थे अपने तो खिलाते थे सेवा करते थे पलती थी गाय जैसे आपने कहा कि निकाल लिया गया तो क्या इसमें सरकारी पुलिस द्वारा जो है सरकार का सहयोग था गाय निकालने का कोई, निकाल... नहीं नहीं। कोई निकाले आप गाय को बाढ़ से, से मैंने पकड़ पकड़ के निकाली एक एक गाय निकाली पकड़ पकड़ के बाहर ले जा ले जाकर बांध बांध के तले जाती थी फिर दो बच्चे पाकिस्तान में से दो बच्चे आए हैं वो निकलवाए हैं एक बच्चा ये खड़ा है ये भी भाग के आया था ये सब गाय निकलवाए थे बेटे हमारे निकल हाँ निकलवा निकल दिए थे और यह कि गाय निकलने के बाद वानी में दोबारा आ गई है ना जब वो डूब गई है फिर उस टाइम मीडिया वाले भी आ गए थे आज तक वाले आए थे फिर उन्हें गाड़ी नाव भेजा है मगर उस टाइम नाव भेजे तो पानी ज्यादा हो गया सामान नहीं निकाल पाए कुछ भी सिर्फ गाय निकाल ले गई थी गाय का बच्चा डूब गया गाय का बच्चा डूब गया था हाथ में डूब ले ले डूब गया था मैं डूब दो बार में डूब गई थी तो वहाँ से बाँस फेंका बाँस फेंके तो जब पकड़ी तो मैंने बाहर निकल पाई हूँ वो हालत हो गई थी अचानक आया ना पानी बेटे? छः बजे आया है और नौ बजे तक पानी भर गया डूबन आ गया ये जो कपड़ा बंधा है बोर्ड यहाँ सारे पानी भर गया था पूरा तो क्या करते हैं देखिए ये जो आंख में आंसू है ये अपने परिवार के लिए नहीं है अपने लिए नहीं है गौ वंशों के लिए है और उन गौ माता के लिए है जिसे आप और हम जो हैं हर चुनाव से पहले कहते हैं कि इसे राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए सरकार के भरोसे आप जब तक रहेंगे तब तक देश नहीं बदल सकता है हमारा समाज नहीं बदल सकता है हमें ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खास करके तब जब हम गाय को माता मानते हैं गाय को देवी मानते हैं और जितने भी इनके पास गाय हैं उनका स्थिति अगर आप देख लेंगे तो आप भी रो देंगे हम चाहते हैं कि माता जी हमारे साथ चलें और वो गाय दिखाएं कि किस तरीके से उनका जो है यहाँ पे वो ये जो है सो खुद कह रही हैं कि हम पत्ता जो है सो पेड़ में से तोड़ते हैं उसके बाद ये देखिए ये पेड़ में से ये अगल बगल जितने पेड़ हैं उनमें से ये पत्ता काट के ना यहाँ पे गायों को खिलाती हैं आप देखिए कि गाय जो है यहाँ पे है ही और जो एक दो गाय है उसका दूध अगर यदि ये बेच के उसके बाद पालन पोषण करती हैं अच्छा इसमें से कितनी गायें दूध दे रही हैं? एक को नहीं दूध दे रही है ये सब एक भी नहीं दे रही ये सब ये सब गाय दूध नहीं दे रही है कोई दूध नहीं दे रही इसमें सिर्फ एक गाय दूध देती है ढाई किलो दूध देती है दो जो मंदिर पे नहीं में लग जाता है चाय पानी में दूध नहीं ना दूध जो था वो गाय हमारी डूब गई है बेटे दूध वाली गाय दूध वाली गाय डूब गई है वो नहीं निकल निकल तो गई मगर बाहर यहाँ से कभी बाहर निकली नहीं थी तो वो अंदर वो भागी आई अच्छा अच्छा जब अंदर भागी आए तो पकड़ने कोशिश करें मगर नहीं पकड़ पाए हम भी डूब जाते फिर मतलब तो निकल ही आई तो मगर उनको एक आए थे हम सीढ़ी से बुलवा के फिर निकलवाई थी जी वाले निकाले गायों को आपने अपने हाथों से पाला है अगर यदि वो डूब गई होंगी तो तकलीफ तो बहुत हुआ बहुत तकलीफ बेटा तब तो परेशान हो रही इतनी परेशान अब मैंने ये कंडे बनाती है ऊपरे ये उपले बना के मैं सोच बेच के इनका खाना करूंगी भोजन करूँगी क्योंकि परेशानी बहुत है कल तोरा से मैंने परसों लोहा बेची थी लोहा बेच के तो मैंने रोटी मंगाई इनके लिए क्या करे क्योंकि यहाँ कोई नहीं सुनने वाला बेटा बहुत परेशानी हो रही बहुत ज्यादा परेशानी है बहुत मतलब ज्यादा ये जो इधर ये गाय है ये जो बैठी हुई है थोड़ा इधर आइए इस गाय को ज्यादा ही तकलीफ हमें लग रहा है ये तो बहुत पतली दिख रही है खाने ना टूट गई बेटा खाने पीने नहीं हो पा रहा बताओ पत्ते में कितना चलेंगी बताओ वहा चल पाएंगे पता सबसे मैंने गुहार लगा गाय के थोड़ा बचा लो बेटा बचा लो तुम लोग थोड़ा साथ दो कोई साथ ही नहीं दे रहा है अब कल बच्चा आया है आज उनको आया था दो तीन दिन हुआ गाय जो है सो कैसे यहाँ पे किस तरीके से हड्डियाँ निकल, निकल गई है, हैं कि बच्चे ये गाय बैठी है देखो आपने किसी से कहा कि हमें यहाँ गायों को जो है भूसा देना है खाने का अच्छा वाले वाई उनसे भी कहा वो भी नहीं सुने गोरक्षा वाले भी नहीं सुन रहे हैं मैंने आए थे उनको बोल बोलो आए थे आए थे घूमने मैंने बोला बेटे मेरे गाय के खाना नहीं ना अतना तक नवल किशोर महाराज जी वहाँ भी खबर भेजा मैंने कि दादा मेरी सारी गाय भूखी पड़ी है मेरे गाय सारा चारा डूब गया है कोई नहीं सुना है बेटा कोई, कोई नहीं सुन रहा है इसलिए हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए मैं बोलिए मंदिर के महजिज में बदल दो अच्छा पे अपने तो मंदिर भी बनाया है मंदिर भी है वो हनुमान बाबा है राम जी है वो समाधि है वो हवन कुंड चौबीस घंटा चलता है कोई चीज नहीं है ये माता बैठी है वो भोले बाबा बैठे सब कुछ है यहाँ सब भगवान की कृपा है मगर बस बाढ़ जब आई तो मैं भगवान का भगवान भी डूब गए सारे यहाँ के तो भगवान भी सारे डूबे पड़े थे सब में पानी भर गया था अत देखो बैठ गया नीचे धंस गया है क्या करे मगर कोई सुना तो हिंदू में कहते हैं राष्ट्रीय धरोहर है, है गौ माता भगवान हमारे हैं राम जी हमारे हैं हनुमान हमारे हैं मगर कौन सुन रहा है कौन देख रहा है शिव वोट के लिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोग गौ माता का मुद्दा बना लिए हैं बस और कोई गाय माता का कोई नहीं गौर कर रहा है ना कोई ध्यान दे रहा आपने किसी से कहा कि भूसा उसा चाहिए तो कोई जो है सो उनके तरफ से कोई योगदान नहीं एक मुसलमान का बच्चा ने मुझे तीन चार कुंटल भूसा दे गया था मुसलमान का बच्चा तीन चार कुंटल भूसा दे गया था और वो भी आज कोई यहाँ पर नहीं हिंदू के नाम से मैंने तो कोई नहीं यहाँ चैनन वाली है एक बेटी उसने चने की चून और खल भेजा था नहीं किसी ने बेटा एक मुठ्ठी भूसा नहीं भेजा आज नहीं भेजा किसी हिंदू ने जो है सो आपको भूसा नहीं भेजा कोई नहीं भेजा बेटा ठीक है। आपके पास मतलब अगर बैंक अकाउंट वगैरह है माता हाँ बेटा सब है मेरे पास ठीक है तो देखिए गाय का जो यहाँ पे स्थिति है खास करके बारिश होने वाली है गाय मेरी देखो ना डूबने वाली है जाने बारिश में सारी जाएंगी भी हो जाएंगी मगर इतना मैंने कहा बांध धरा है बांस गिरवा रखे हैं मैं बोली इसी में से गिरा बांध जो गौशलम गिरा रखे हैं तो मेरे एक छप्पर बना दो कोई बनाने का राजी नहीं ना कोई बनाने का राज्य नहीं झोपड़ी बन रही है मतलब कोई बांस पड़े हुई है अभी मैं उठा के बना लू तो फिर दुनिया में कले से लड़ाई मेरे से करने लगेंगे सारे तो मैं करूँ तो क्या करूँ किससे मैं क्या कहूँ मुझे खुदा नहीं समझ में आ रहा है अब मैं इतना होपलेस इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ कहा कि मंदिर को हम मस्जिद में जो है सो बदल देंगे साफ जो है सो आशा खत्म हो गया आशा मेरा बिल्कुल खत्म हो गया इतना के संत यहाँ पर दुनिया भर आते थे आज संत जब से पानी आए आज वो भी यहाँ के पीछे हट गए हैं Hmm. क्योंकि वहाँ जाएंगे तो मदद करना पड़ेगा hmm. किस बात का संत हो जो गौ माता से भगवान से पीछे हट रहे हो तो एक नोट कमाने के लिए संत बने हो hmm. नोट कमाने के लिए भागवत कर रहे हो नोट कमाने के लिए भगवान पर भगवान का लूट रहे हो hmm. पब्लिक का लूट रहे हो दिखाने के लिए hmm. सब बकवास है Sab Sab सब बकवास है बेटा एक महीना हो गया एक महीने से मेरे इनके चिंता में मैं बीमार पड़ी एक महीना हो गया अब जम ना बिहार से दवाईया है सरकारी से दवाई है आराम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनका जो खाने का ही नहीं दवाई हम भी ले रहे हैं जब इन ये भूखियां तो कत मेरे को दवाई दे क्योंकि चिंता तो चिंता होती है अब वही चिंता हमारे दवाई भी नहीं लग रही मेरे भी हालत ही खराब हो रही इनकी वजह से क्योंकि टेंशन इतना है कि मैं करूँ तो कोई काम भी तो मिलेगा मैं काम कर लूँगी इनको खिलाऊ भगवान भी हमारे सो गए हैं लगता है क्यों माता सो गई हैं आज पड़ी यहाँ नहीं देख रहे हैं भूखी पड़ी है करूँ तो क्या करूँ बहुत है? मतलब आप भावुक हो गई हैं इन गायों के लिए माता जी हैं अपना परिवार मुझे के कुछ नहीं, नहीं। चाहिए मैंने तो मैंने तो भगवान को बोला मा गौ माता आदमी था आदमी को मार डाल बाबा पति को मार डाल बच्चों को मार डाल मगर आप बरकरार रहो आपको थान पर मत्था टेका मैं थान मिटने नहीं दूंगी ये हमारा प्रतिज्ञा था बेटा और उसी प्रतिज्ञा में मैं चल रही हूँ कुल मिला के यहाँ पे पच्चीस गाय है और कुछ गाय जो है वो बाढ़ में डूब गई उनके बच्चे डूब गए यहाँ पे योगदान के नाम पे सेवा के नाम पे कुछ जो है सो नहीं दिया गया